हेलो फ्रेंड्स, वे वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेट का एग्जाम हो चुका है तो होपफुली सभी का अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, क्या मतलब एग्जाम बहुत इजी आया था? इजी तो नहीं था, फिर भी काफी इजी था। तो स्पेशली जो ऑर्गेनिक वाले थे फ्रेंड्स, उनके लिए काफी इजी था, क्योंकि ऑर्गेनिक भर के आई थी फ्रेंड्स, ठीक है। और फिजिकल भी काफी थी, फिजिकल का सी पार्ट आपका काफी टफ था फ्रेंड्स, और आपका जो पार्ट बी था उसमें भी काफी क्वेश्चंस आए हुए थे फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से का ओवरऑल अच्छा पेपर था, स्पेशली जिन्होंने इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक लेके जो आगे गए होंगे, मतलब जिन्होंने अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तैयार की होगी, तो उनका लगभग ऑलमोस्ट निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाले हैं, उनका थोड़ा हो सकता है मतलब थोड़ा बहुत। और ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, ऑर्गेनिक बहुत अच्छे लेवल की भी थी, और स्पेशली बेसिक से लेकर काफी हाई तक थी ऑर्गेनिक। ओके फ्रेंड्स, और आपका और फिजिकल को फिजिकल काफी हाई लेवल की थी। ओके फ्रेंड्स, और ऑर्गेनोमेटेलिक भी काफी आई थी फ्रेंड्स, इसमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा आया था। ओके फ्रेंड्स, और स्पेशली क्या आई थी, बायो इनऑर्गेनिक से बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार। बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, और आपका क्वांटम आया था फ्रेंड्स इस बार। क्वांटम बहुत अच्छे लेवल का था, क्वांटम भी बहुत अच्छे लेवल का था फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये हो गया, ये ओवरव्यू हो गया फ्रेंड्स, और आपका और स्पेशली ये पार्ट तो लगभग सभी ने कर ही दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, बी पार्ट में और क्या आया था फ्रेंड्स आपका? हाँ, स्पेशली ऑर्गेनिक बेसिक था उसमें, और आपका थर्मोडाइनिक्स डायनेमिक्स से भी काफी क्वेश्चन आए थे, और आपका स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनिक्स भी आई थी। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था, जैसे जून का सेट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जून स्पेशली हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ लोअर चली आती है। तो मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है फ्रेंड्स कि इस बार आपकी जेआरएफ फॉर जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जेआरएफ जानी चाहिए 98 to 100 जानी चाहिए। फॉर जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ की कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि पेपर एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक हार्ड आती है तो ऑर्गेनिक वो इजी कर देता है ताकि बैलेंस बना बना रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ ये होना चाहिए, जेआरएफ का 98 to 100 जनरल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और नेट का कट ऑफ होना चाहिए आपका, नेट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स 95 to 96 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। नेट एलएस हो जाना चाहिए, एलएस इतना मेरा प्रिडिक्शन कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका अगर ओबीसी की मैं बात कर लेता हूं तो फ्रेंड्स इसका आना चाहिए 95 to 97 आना चाहिए ओबीसी का। ओके फ्रेंड्स, और आपका एससी और एसटी का 85 to 87 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ होना चाहिए 94 to 95 फॉर जेआरएफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये जितने भी मैंने आपको बताया है ओनली फॉर जेआरएफ, ठीक है फ्रेंड्स। होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा पार्ट बी की। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।